9 दिनों तक एक 15 साल की बालिका को 20 दरिंदों द्वारा नोचने के मामले में पीड़िता ने बाल कल्याण समिति के सामने अपनी पूरी आपबीती सुनाई तो समिति के सदस्यों की आंखें भी नम हो गई। 15 वर्षीय नाबालिग युवती ने बाल कल्याण समिति के सामने बताया कि उसे बदमाश हर रोज नशा देते थे, कभी शराब, कभी स्मैक तो कभी चरस का, जिसके बाद इतनी हैवानियत को देखकर बाल कल्याण समिति के सदस्यों के पैरों की जमीन खिसक गई। बाल कल्याण समिति के सदस्य मधुबाल शर्मा ने बताया है कि वह और दूसरे सदस्य खानिज फातिमा ने सुकेत गेंगरे पीड़िता से मुलाकात की और बयान लिए, जिसमें पीड़िता ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। हालांकि मामले में शामिल 20 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब कोशिश होगी कि इस घटना का कोई भी आरोपी नहीं बच पाए। साथ ही पीड़िता और उसके परिजनों का पुनर्वास किया जाएगा, उन्हें संभव सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं पूरे मामले की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति ने बाल संरक्षण आयोग के समक्ष पेश की। गौरतलब है कि सुकेत की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग को एक परिचित युवती व एक युवक बहला फुसलाकर बाइक पर बैठाकर झालावाड़ ले गए थे, जहां उसके साथ 18 बदमाशों ने दरिंदगी की। मामले में अब तक कुल 20 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 4 नाबालिग हैं। यह भारत का सबसे जघन्य अपराध है, इसमें 20 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और भी कई अगर अपराधी इसमें आएंगे निकलकर तो उन्हें भी उनकी सजा दिलाई जाएगी। इसमें एक्चुअली बच्ची ने हमें बताया, जब हमने बच्ची से उससे बातचीत की, उसके परिजनों से बातचीत की, तो काफ़ी कुछ निकल कर सामने आया। बच्ची ने बताया कि उसे जगह जगह ले जाया गया, घटनास्थल पर कई जगह ले जाया गया, उसके साथ गैंगरेप किया गया। ये सब पूरा एक ही गिरोह था जिन्होंने उनके साथ गैंगरेप किया, और इसमें एक महिला का हाथ भी है जो इसे लेकर गई थी। इस तरह से इसमें कहीं मुलजिम कहीं अपराधी सामने आ रहे हैं। इसमें हम लोग बच्ची से जब सामने आए तो बताया कि मुझे हर तरह का नशा दिया गया बच्ची को, उसको अफीम, गाजा, चरस, हर तरह का, मतलब उसे नशा दे करके उसके साथ में शोषण किया उसका और उसके साथ में गैंगरेप किया। जब बच्ची से हम लोगों ने बातचीत करी, उसके बारे में सारी जानकारी दी, तब हमें एक चीज़ उसे बताया कि बेटा तुम्हें आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। उसे सारी चीज़ें हमें बताई और उसके जो बयान हमने जो लिए हैं वो हम आगे राजस्थान सरकार को भेजेंगे।